हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियो सैक के बारे में, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न के बारे में भी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो देखें, एम्ब्रियो सैक का ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये डायग्राम एम्ब्रियो सैक का दे रखा है। इसमें सबसे अपर पार्ट पे देखोगे तो थ्री एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थ्री एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डिजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद सेंट्रल पोजीशन पे अगर देखोगे तो टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। टू पोलर न्यूक्लियाई जो आगे चलकर फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सेंट्रल सेल होती है, या यूं कह सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद माइक्रोपाइल एंड की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे थ्री सेल प्रेजेंट होंगी। तो उसमें टू सेल्स जो होंगी वो हमारी सिनर्जेट्स होंगी। ठीक है, और एक सेल जो होगी हमारी एग सेल होगी। ठीक है, और यहाँ सिनर्जेट पे एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब इंटर करती है, जिसे हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ठीक है, फिलीफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो स्टूडेंट, पहले हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन का थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को एस जी नवाशेन ना 1898 में डिस्कवरी किया था इन्होंने। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एस जी नवाशेन 1898 इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया में। सबसे पहले इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था। उसके बाद आगे कह रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन, इन विच बोथ मेल गैमीट डिस्चार्ज फ्रॉम अ पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब से दोनों मेल गैमीट होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं और क्या करते हैं, टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट के साथ साथ जो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे हम लोग समझने वाले हैं कहाँ कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, किस किस एलिमेंट के साथ फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखें, वन मेल गैमिट जो होगा, एक मेल गैमिट पॉलन ट्यूब का जो होगा वो फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ। ठीक है, एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा और क्या बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट बना लेगा, कॉल्ड सिंगैमी। अच्छा, फ्यूज होने की ये जो प्रोसेस होगी एग और मेल गैमिट की, वो आपकी सिंगैमी कहलाएगी और इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। द जायगोट फाइनली डेवलप इनटू एम्ब्रियो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फाइनली डेवलप हो जाता है जायगोट किसमें, एम्ब्रियो में। तो द अदर मेल गैमिट मूव टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई एंड फ्यूज विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो दूसरा जो मेल गैमिट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है और ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होगा पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमिट का, वो आपका वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाएगा और इसे सीडो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। द वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब जो फ्यूजन होता है ये, द वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। इसमें थ्री हैप्लॉयड न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, देयर फोर इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC। ठीक है, शॉर्ट में से PEC भी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म। ठीक है, वो आगे जाके एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगी।
सिंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन आ एम्ब्रियो से द फिनोमिनॉन इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? डबल फर्टिलाइजेशन। चूंकि एम्ब्रियो सेक में दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक सिंगेमी होता है और दूसरा आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो दोनों को मिला के हम लोग उसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एस नॉस्टेन एंड ग्रिगनार्ड इन लिलियम मार्टागोन एंड फ्रिटिलेरिया टेनेला रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये था थ्योरेटिकल सेक्शन। अब हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में कैसे होता है। ओके, तो ये जैसे ये पॉलन ट्यूब आ रही है तो सिनर्जिड जिधर प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो सैक में, वहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है फ्ली फॉर्म एपरेटस जिसे कहते हैं। पॉलन ट्यूब हमारी वहीं से इंटर करती है एम्ब्रियो सैक में। ओके, ये क्या हो गई आपकी पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब में आपके टू मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट। ओके, अब इसमें यहाँ पे होता क्या है कि वन मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो होता है वो एग के साथ फ्यूजन करता है। ठीक है, एग जो होता है वो हमारी हैप्लॉयड सेल है, उसके बाद मेल गैमेट जो होता है वो भी हैप्लॉयड होता है, तो दोनों जब मिलते हैं या फ्यूजन होता है तो 2N स्ट्रक्चर बनता है। चूंकि हम लोगों को पता है 2N स्ट्रक्चर क्या होता है, जाइगोट होता है। ठीक है, जो इन फ्यूचर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। जब मेल गैमीट आता है, जब पोलन ट्यूब का मेल गैमीट इनके साथ फ्यूज होता है तो बन जाता है आपका 3N स्ट्रक्चर। ये क्या बना? 3N स्ट्रक्चर। 3N स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ओके, तो इस तरीके से एम्ब्रियो सैक में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। चूंकि यहां पे 3N, 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई थे और एक आपका मेल गैमीट था, तो तीनों फ्यूज हुए थे तो 3N स्ट्रक्चर बना था, इसलिए इस फ्यूजन को हम ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। ओके, ट्रिपल फ्यूजन। आफ्टर बोथ फर्टिलाइजेशन, दोनों फर्टिलाइजेशन होने के बाद या दोनों फ्यूजन होने के बाद सिनर्जिड आपकी डिजनरेट हो जाती हैं, सिनर्जिड डिजनरेट हो जाती हैं, एंटीपोडल सेल भी डिजनरेट हो जाती हैं आपकी। ओके, एंटीपोडल सेल भी डिजनरेट हो जाएंगी आपकी, सिनर्जिड भी आपकी डिजनरेट हो जाएंगी और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में। ओके, तो एम्ब्रियो सैक में चूंकि दो फर्टिलाइजेशन एक साथ होते हैं, दो मेल गैमीट एक साथ फ्यूज होते हैं एम्ब्रियो सैक में, एक मेल गैमीट एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको आज का टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।